साथियों, आज हम एक और होजरी निर्माता कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज, इसके एक तमाशे के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, तमाशा इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी छोटी कुछ कंपनियों में इस प्रकार के तमाशे होते रहते हैं जो विगत में कई बार प्रकाश में आए। साथियों, छोटी कंपनियों की मार्केट कैपिटल बहुत ही कम होती है। कंपनी के प्रमोटरों के पास अक्सर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है। इनके परिवारीजन कंपनी के निदेशक बन जाते हैं। कंपनी के लेन देन और खातों में भी हेरा फेरी की संभावना बनी रहती है। अगर ऐसी कंपनियों के प्रमोटर घपलेबाज हुए तो ये निवेशकों को खूब चूना लगाते हैं। प्रमोटर और ऑपरेटर मिलकर ऐसी कंपनियों के शेयर इनसाइडर ट्रेडिंग से ऊपर नीचे भी करते रहते हैं। साथियों, मैं अक्सर स्मॉल कैप कंपनियों से छोटे निवेशकों को इसीलिए दूर रहने को कहता रहता हूं क्योंकि ऑपरेटर ही प्रमोटरों के साथ मिलकर बाजार में अक्सर इन्हें चलाते हैं। साथियों, कोलकाता की होजरी निर्माता कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार को आपने देखा होगा कि अचानक 20% नीचे गिर गए क्योंकि बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण कंपनी के कार्यकारी निदेशक उदित टोडी पर प्रतिबंध लगा दिया था। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल कंपनी से जुड़े 14 लोगों पर रोक लगा दी, साथ ही लगभग 3 करोड़ रुपए के अवैध लाभ को जब्त करने के आदेश भी दिए। सेबी द्वारा प्रतिबंधित लोगों में लक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे उदित टोडी भी शामिल थे। सेबी की निगरानी चेतावनी प्रणाली ने लक्स के शेयर में 25 मई 2021 और 31 मार्च 2021 को जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स वित्तीय परिणाम जो घोषित हुए उनमें संदिग्ध व्यापारिक पैटर्न का पता लगाया था। घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में लगातार 3 कारोबारी दिनों के भीतर क्लोजिंग आधार पर, क्लोज टू क्लोज के आधार पर करीब 41% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वित्तीय परिणामों में संबंधित घोषणा के विश्लेषण पर सेबी ने पाया कि संबंधित संस्थाओं के एक समूह ने शेयर में लॉन्ग पोजीशन ली थी। इसके बाद संस्थान उक्त लॉन्ग पोजीशन से निकल गए जिससे उन्होंने अनुचित व्यक्तिगत लाभ कमाया था। साथियों, कंपनी ने अपना पक्ष रखा है कि उसने किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार से कंपनी स्पष्टीकरण हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, ऐसा उसने कहा है। साथियों, अभी आपने छोटे RBL बैंक के साथ भी 2 घटनाएं देखी होंगी। पहली, RBI ने RBL बैंक के बोर्ड में अपना एक आदमी शामिल कर दिया। RBI ने बैंक के बोर्ड में योगेश दयाल को एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। दूसरी, बैंक के MD और CEO विश्ववीर आहूजा ने डेडलाइन से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथियों, कुछ तो इसमें गड़बड़ झाला जरूर रहा होगा, इसीलिए मैं अक्सर स्मॉल कैप कंपनियों से छोटे निवेशकों को दूर रहने को कहता हूं क्योंकि ऑपरेटर ही अक्सर प्रमोटरों के साथ मिलकर इन्हें बाजार में चलाते हैं और इनके मैनेजमेंट की वित्तीय अनियमितताएं अक्सर आती रहती। साथियों, इस बात को आप समझें और अच्छे मैनेजमेंट की बड़ी लार्ज कैप कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जिनमें कर्ज ना के बराबर हो, मार्केट लीडर हो और इनके पास अपना कोई मोट हो, मोनोपोली हो, ऐसी ही आप ब्लू चिप कंपनी में अपना पैसा लगाएं। आप सुरक्षित रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।